नमस्कार। आज का पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे, लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। इस पाठ में यह बताया गया है कि रेगिस्तान जो है उसमें रेत ही रेत है और यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है। वर्षा हो तो भी उसे रेत के कण सोख लेते हैं और रेत के कणों के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी बिछी हुई है जो पानी को नीचे तक जाने नहीं देती है। इस पट्टी के नीचे पानी खारा होता है और खारा पानी मिलने के बाद यहाँ का पानी पीने के लायक नहीं रहता है। इसीलिए लोगों ने अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर इस पानी को इसी खड़िया पत्थर की पट्टी से पहले ही इकट्ठा करने का उपाय खोज लिया और इसी के परिणाम स्वरूप कुएं बनाए गए, छोटे छोटे कुएं बनाए गए जिन्हें कुएं कहा जाता है। राजस्थान में रेत की नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। समझने की चीज है, कुएं जो होती है कुएं का एक छोटा रूप होती है, 4-5 हाथ के डायमीटर में इसे 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई के साथ साथ ईंट और चूने के द्वारा पक्का करते चले जाते हैं, यानी कि ऊपर से ही ईंट और चूना लगाना शुरू करते हैं, बाद में धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने चले जाते हैं। और कुएं से यह थोड़ी गहरी और तंग होती है, लगभग एक जैसे से होते हैं, कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन जो कुआं होता है वो देखने में थोड़ा बड़ा होता है। और जहाँ साधारण कुएं का व्यास लगभग 15 से 20 हाथ होता है तो कुएं का व्यास जो है 4 या 5 हाथ होता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग डिजाइन में और गहराई में कुएं बनाई जाती हैं। लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद नमी को कुएं के द्वारा पानी के रूप में कैसे प्राप्त करें। जमीन की नमी जो होती है वो वर्षा की स्थिति पर निर्भर होती है। क्षेत्र में जितनी ज़्यादा कुएं होंगी भीतरी नमी का उतना ही अधिक प्रयोग होगा। अगर नई कुएं का निर्माण होगा तो सहज ही दूसरी कुएं की नमी का बंटवारा हो जाएगा। कुएं की पानी एकत्रित करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और इसीलिए ग्राम समाज में निजी कुएं बनाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है और जो कुएं होती हैं सार्वजनिक संपत्ति के रूप में पाई जाती हैं। कुएं बनाने वाले व्यक्ति को चेलवांजी कहा जाता है। चेलवांजी जो है अपनी जान को खतरे में डाल करके कुएं का निर्माण करते हैं, क्योंकि संकरी जगह में मिट्टी की खुदाई करना और उसे चिनाई करना बहुत ही जानलेवा कार्य होता है। 4-5 हाथ की जगह में धीरे धीरे खुदाई करते हुए मिट्टी के अंदर तक जाता है चेलवांजी और घुटने मोड़ कर बैठ कर धीरे धीरे बसौली से मिट्टी की खुदाई करता है। पैरों में जमा मिट्टी को रस्सी के सहारे लटकाई हुई बाल्टी से ऊपर भेजते रहते हैं। कुएं की गहराई में पसीने से तर बतर चेलवांजी को सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। 20-25 हाथ की गहराई आते आते इतनी गर्मी हो जाती है कि ऊपर से अगर मुट्ठी भर रेत फेंक कर कुएं में हवा को धकेला जाता है। चेलवांजी इस रेत से बचने के लिए सिर पर किसी धातु के बर्तन को टोप की तरह पहन लेते हैं और खुदाई करते करते वे मिट्टी की भी जांच करते जाते हैं। जैसे ही खड़िया पत्थर की मिट्टी मिलना शुरू हो जाती है वो अपना काम खत्म कर देते हैं और नीचे धार लगाकर कुएं का निर्माण पूरा हो जाता है। इस प्रकार से इनकी जान निरंतर खतरे में बनी रहती है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। 3 कारण होते हैं इसके। सबसे पहला कारण क्या है, छोटे व्यास में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो आराम से पानी मिल जाएगा। अगर बड़ा कुआं होगा तो पानी फैल जाएगा और इसे निकालने में बहुत मुश्किल आएगी। दूसरा कारण होता है गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पर तो पानी भाप बन करके उड़ जाता है और अगर कुएं का मुंह छोटा होगा तो पानी सुरक्षित रहेगा। तीसरा कारण होता है मुंह जो होता है कुएं का वो ढककर रखना पड़ता है क्योंकि उसमें कचरा वगैरह चला ना जाए, इसलिए उसको ढक कर के रखा जाता है। और अगर ढक्कन बड़ा बनाएंगे तो मुश्किल आएगी, इसलिए कुएं का मुंह जो है छोटा सा रखा जाता है कुएं का। राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। सचमुच यहाँ पानी की बहुत कमी पाई जाती है।
मीठा पानी यहाँ नहीं मिलता है। आपको मैंने कारण बता दिया, क्योंकि नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है जो खारा होता है, वो पानी में मिक्स करके पानी को खारा बना देता है। इसलिए उन्होंने मीठे पानी के लिए धरती की कोख में पानी प्राप्त करने के प्रयत्न किए। क्या प्रयत्न किया वो आपको बता चुके हैं कि उन्होंने कुइयां बनाई। और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए लोगों ने जरूरत की कोशिश की और बहुत सफल हुई ये कोशिश उनकी। तंग और गहरी कुएं को खोदना चुनौती का काम होता है। समस्या ये आती है कि जगह बहुत तंग होती है और वहाँ पर हथौड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। कुएं के निर्माण पर लोग जो है गांव के लोग समाज में उत्सव मनाया करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जानलेवा कार्य होता है और ये पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद उत्सव मनाया जाता है। एक भोज का आयोजन किया जाता है कुएं के पूरा हो जाने पर, और जो चेलवंजी होता है उसे तरह तरह की इनाम भेंट आदि दी जाती हैं। और वर्ष भर आने वाले तीज त्योहारों पर आदि जो मंगल अवसर होते हैं सब पर उन्हें इनाम और गिफ्ट दिए जाते हैं। फसल पकने पर भी उन्हें एक हिस्सा देते हैं, क्योंकि पानी जो है जिंदगी है, जान है, जीवन है, और चेलवंजी ने उन्हें यह उपलब्ध कराया है, इसलिए चेलवंजी की विशेष भेंट होती है फसल होने पर। इस प्रकार से यह एक सामाजिक प्रथा बन गई। लेकिन अभी जो है वो सामाजिक प्रथा बदल गई है, आजकल उसे केवल मजदूरी देकर के विदा कर देते हैं। इस प्रकार के सामाजिक संबंध का स्थान मजदूरी ने ले लिया है। आप जानते हैं कि पानी पर सबका अधिकार है, इसलिए लोग पहले सार्वजनिक मैदान में अपने अपने लिए कुइयां बना लेते थे और उन पर उनका निजी अधिकार होता था। लेकिन सार्वजनिक जमीन के अंदर पानी की सीमाएं हैं। इसके बाद में यह तय होने लगा कि उस मैदान पर और कुई ना बनाई जाए, इसलिए समाज के लोगों ने आपस में मिलजुल कर नई कुइयों के निर्माण के लिए अनुमति देने की व्यवस्था बनाई। यानी सबको अनुमति नहीं होती है कि सब कुई बनाएं। जब वर्षा होती है तो पानी की बूंदें रेत के अंदर नमी के रूप में इकट्ठी हो जाती है, और वो कहाँ अटक जाती है, खड़िया पत्थर की पट्टी के ऊपर, और धरती में इसको जाने नहीं देती है। इसलिए जो है कुएं की धार लगाई जाती है और पानी रिस रिस कर बूंद बूंद करके कुएं में इकट्ठा हो जाता है। इस नमी से बूंद बूंद पानी वहाँ इकट्ठा होता रहता है। वर्षा न होने पर भी यह प्रक्रिया जो है जारी रहती है, और इस प्रकार से कुएं में हमेशा पानी आपको मिल जाएगा। कुएं के मुँहे पर घिरनी लगाई जाती है। घिरनी क्या होती है, एक जो कहते हैं राउंड शेप में लोहे का होता है, जिसे पानी सरलता से खींचा जा सके। कुएं की गहराई अधिक होती है, हाथ से पानी अगर खींचेंगे तो काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। घिरनी की सहायता से पानी सहजता से बिना बिखरे बाहर निकाल लिया जाता है, और यह घिरनी पानी खींचने में पड़ने वाले बल को अपने ऊपर झेल लेती है और मनुष्य का काम आसान हो जाता है। जैसलमेर के एक गाँव है खड़ेरों की ढानी, यहाँ पर 120 कुइयाँ थी, 120। इसी क्षेत्र के को लोग 6 BC के नाम से जानते हैं। 6 BC का क्या अर्थ है, 6 × 20, 120 हो गए ना। इस क्षेत्र के अनेक गांव में अपने घर हर घर में अपनी निजी कुएं हैं, यानी 120 लोगों के घरों में अलग अलग कुइयाँ हैं। राजस्थान में जो चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में खड़िया पत्थर की मिट्टी पाई जाती है। अगर आप मिट्टी खोद करके देखेंगे तो लगभग 20 फीट पे आपको एक पत्थर की पट्टी सी नज़र आएगी जो इस क्षेत्र को कवर करती है। इसी पत्थर की पट्टी के कारण यहाँ कुइयों का निर्माण करके रेत में से मीठा पानी निकाला जाता है, और यह खड़िया पत्थर की पट्टी रेत की नमी को भूजल में मिलने से रोकती है। यही नमी बूंद बूंद करके जीवनदायी जल का रूप धारण करती है, इसीलिए इस पाठ का नाम राजस्थान की रजत बूंदें रखा गया है। रजत बूंदें यानी चांदी की बूंदें। यहाँ पर पानी कितना कीमती है, चांदी के जितना कीमती है। और कुएं जो होते हैं यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति के रूप में पाई जाती है। लेखक कहता है कि यहाँ पानी के कई रूप हैं। पालर पानी जो वर्षा का ऊपर ही पानी बहता है, धरातल पे पानी बहता है, और पाताल पानी जो भूमि के नीचे पाया जाता है। तीसरा जो उन्होंने बताया, रेजानी पानी।
यह पानी जो है कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो न जमीन में जाता है न ही धरातल पे होता है। इस प्रकार से उन्होंने तीन रूप पानी के बताए हैं।